आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फ्लावर्स और प्लांट्स ये सब क्यों दिखा रही हूँ ग्रीनरी। उसका एक रीज़न है, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास शीट नहीं है, कैनवास नहीं है, तो कैसे पेंट करें। तो उसके लिए हमने स्टोन्स यूज किए थे। तो कई बच्चों के या कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, हमारे पास तो कलर्स ही नहीं है तो आप क्या करें। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप घर पे अगर आपके गार्डन है, फ्लावर्स हैं, तो अगर वो गिर जाते हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे ब्लैंक वाइट शीट को कलरफुल और टेक्सचर्ड बनाते हैं, वो आज हम सीखेंगे। सिंपली आपको आपके घर में जो फ्लावर्स गिर जाते हैं, बस उनको यूज़ करना है। लेके आइए और शीट पे रखिए और स्टोन से इसको बीट करते जाइए। पहले मैंने लीफ लिया था, अब मैंने फ्लावर रखा है और फ्लावर को सेम उसी प्रोसीजर से बीट करते जा रही हूँ और इनका जो नेचुरल कलर है फ्लावर का, लीफ का, वो शीट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप कैसे भी रैंडमली यूज़ कर सकते हैं लीव्स को, कहीं पे लीव्स, कहीं पे फ्लावर्स को रखिए और ऐसे ही डैबिंग करते जाइए और आपका कम्प्लीटली टेक्सचर रेडी हो जाएगा। इंश अब थोड़ी देर में देखिएगा, सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। सी आवर वन टेक्सचर शीट इज रेडी। आज मैं आपको तीन शीट्स दिखाऊंगी तीन तरीके के फ्लावर्स से। ये है, मैंने बोगनविलिया फ्लावर लिया है, उसको भी सेम तरीके से हमें बस स्टोन और फ्लावर, पत्थर एंड फूल। एक ऐसी मूवी भी थी पत्थर एंड फूल, मूवी पे नहीं जाते अपने काम पे जाते हैं। बस आपको फूलों को बस पत्थर मारते 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 अपना उनका जो कलर है वो पेपर पे ट्रांसफर करना है और आपका ब्यूटीफुल टेक्सचर रेडी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज़ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। जब तक किसी आर्ट का यूज़ नहीं है तो लगता है कि व्हाई वी हैव टू मेक, क्यों बनाए हम। तो बस इसका यूज़ भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। पहले आप आज टेक्सचर देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है ताकि आप बोर भी फील ना हो और बहुत इजी एक्टिविटी है। जो फ्लावर्स हमारे गिर गए प्लांट से, उनको हमने यूज़ किया है। इसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं क्योंकि वो फ्लावर्स को हम क्लीन कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। उन्हीं फ्लावर्स को हमने यूज़ करके एक शीट को, ब्लैंक शीट को, बोरिंग शीट को कलरफुल बनाया है। तो अब देखिए ये हमारी सेकेंड टेक्सचर रेडी है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज अगेन। अब ये जो थर्ड शीट है, इसके लिए जो मैंने फ्लावर्स यूज़ किए, ये नॉर्मली वाइल्ड फ्लावर है। वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, ये बाहर लगे होते हैं घर के, बस उनको ले आइए और अपने शीट पे यूज़ कीजिए। इसमें मैंने पूरे ऑल ओवर शीट में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप बॉर्डर एरिया में इसको अप्लाई कीजिए विद द सेम प्रोसीजर। इसमें आप बिल्कुल नेचुरल कलर यूज कर रहे हैं फ्लावर्स के। इन तीनों टेक्सचर्स को आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं, किसी को बर्थडे कार्ड बना करके दे सकते हैं या किसी को बर्थडे गिफ्ट में नेम टैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको कैसे डेकोरेशन में, घर के डेकोरेशन में, होम डेकोर में कैसे यूज़ किया जाए, इसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपको बताऊँगी इन शीट का मैं कैसे यूज़ करूँगी। सी
एक बार जो लीफ मैंने यूज कर ली उसको दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं, सेम आप रैंडमली कहीं पे भी रख दीजिए और उसको स्टोन से हार्डली बीट करते जाइए और फिर सारे फ्लावर्स को क्लीन कर दीजिए। कुछ है फ्लावर्स जो इसमें पेस्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको बाद में जैसे ड्राई हो जाए तो उसको पूरा क्लीन कर दीजिए। ये देखिए 3 टेक्सचर रेडी, शीट्स रेडी हैं। अब इसके लिए नया वीडियो मैं लेकर